ऐसा चाहते हैं कि मैं आपको हंसाऊं, वैसे जरूरत नहीं है इन दिनों। देश में असहिष्णुता खत्म हो गई, जबरदस्त हास्य का माहौल है। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था उनको उनके वादे याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगते हैं। हालांकि मोदी जी धुआंधार काम कर रहे हैं, ये अलग बात है कि काम में धार कम है और धुआं ज्यादा। जिम्मेदारी सौंप दो तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। दो ताजमहल के नाम से गेंदी फावड़ा उठा रहे थे, वो झाड़ू तक आ गए हैं। हाँ, समय सब सुधार देता है। आप लोग भी बैठ जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, अभी और अच्छे दिन आएंगे। हाँ, जब बुलेट ट्रेन चलेगी। सुनते हैं उसका किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। हाँ, प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को कह दिया है कि बुलेट ट्रेन तुरंत चलाइए, चुनाव जीतना है, भले ही पटरियां वटरियां बाद में बिछती रहेंगी। हाँ, और अगले ने समझदारी दिखाई, देखो कर्जा भी 50 साल के लिए लिया है, 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाई दी वे किसी जापानी को अपना कर्जा याद रह गया और वो कर्जा लेने बंबई उतरे भी गा, तो अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल लेंगे। मैंने तो खुद एक मोबाइल फोन फाइनेंस करा रखा है ताकि फाइनेंस करने वाली कंपनियों के फोन आ सके। फोन करने वाली अक्सर लड़की होती है, वह बोलती है सर हमारी कंपनी से लोन ले लो, कम इंटरेस्ट आ रहा है। मैं तो कहता हूं भाई तू तो बोलती रहे, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। महिलाओं को लेकर के भी काफी बातें की गई। आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। संसार में स्त्री का त्याग, औरत का त्याग पुरुष से बड़ा है। पुरुष होकर स्वीकार कर रहा हूं इस बात को। वो पति ने पत्नी को डींग हांकी कि मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। ये मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि चरखे के साथ फोटो खिंचवा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता, कस्तूरबा को भी साथ रखना पड़ता है। बड़ी जबरदस्त चहल पहल है। मैं तो एक दिन अखबार पढ़ रहा था, घर में खबर पढ़कर के उछल गया, जैसे ब्रेकिंग न्यूज, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। भारत के प्रधानमंत्री, मैंने कहा भाई खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। एक बच्चे को 10 रुपए दिए, मैंने कहा बेटा सामने ठेले वाला है, 2 कुल्फी लिया, 5-5 रुपए वाली, एक तू खाना एक हम खाएंगे। वो गया साहब जाकर के एक कुल्फी खाता हुआ लौटा, बोले अंकल उसके पास 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। 10 रुपए की चोट तो पड़ी साहब उस दिन, लेकिन मेरे GST समझ में आ गई। मैंने कहा बेचा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? वाह 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 वाह। बच्चों के साथ यही समस्या है, पहले उनको बोलना सिखाओ और बाद में चुप रहना। मैंने कहा बेटा चाय वाय बेचते हो? बोलो नहीं अंकल मैं पढ़ता हूं, और आप तो जानते हैं कि पढ़ना जरूरी है, अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। क्या बात है। और व्यंग तक जो पहुंच जाओ तो मुझे बताना जो बच्चे का जवाब था। मैंने कहा क्यों बेटा, कोई बाबा साधु बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। और उसने जो जवाब दिया उसका आनंद ले, बोले अंकल वो तो और मुश्किल है, साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। बहुत अच्छा। वो थोड़े समय पहले तो एक नेता ने यह कह दिया था कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा,
उसको तो हमने गंभीरता से नहीं लिया, हो सकता खुद के बापू के लिए कह रहे हो। बाद में एक दूसरे नेता ने कह दिया गांधी जी को चतुर बनिया। ये मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है इस देश में। हाँ, वो आपको ध्यान होगा बाबा रामदेव पर जब लाठी चार्ज हुआ तो भाजपा ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया था, तो आज की विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी जैसी जिम्मेदार नेत्री ने उस राजघाट के उस प्रदर्शन में डांस किया। और व्यंग तक पहुंच जाओ तो समर्थन करना, राजघाट पर सुषमा स्वराज का डांस देखकर मेरे ख्याल गांधी जी ने भी सिर पीट लिए होंगे कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी, सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। वाह भाई वाह वाह वाह। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, अब तो लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मैंने कहा मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने अपने एक उपन्यास में बहुत मार्के की बात कही है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। हाँ, बेवजह के मुद्दे उछाले जाते हैं तब व्यंगकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। मैं आपको बधाई और शुभकामना।